G20 के जरिए पूरे देश ने भारत का दम देख लिया। पूरी दुनिया को भारत ने संदेश दे दिया कि दुनिया की अगुवाई करने के लिए भारत तैयार है। G20 का कार्यक्रम सफल रहा और सफलता के बाद पीएम मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे। यहां आज तक के पत्रकारों ने पीएम से सवाल किया तो कि क्या वो कुछ कहना चाहते हैं, तो जवाब में पीएम मोदी ने कहा सबका धन्यवाद। ये एक भावुक और गर्व का पल था। G20 शिखर बैठक के महा आयोजन के बाद पीएम मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पहुंचे धन्यवाद देने के लिए। चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। पीएम मोदी ने हाथ हिलाते हुए पत्रकारों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए और वो तस्वीरें भी हमारे सामने होंगी। श्वेता, बिल्कुल करीब से ही मैं चाहूंगी, हिमांशु हमारे कैमरामैन वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल करीब से सुधीर, मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा आगे आ जाएं। श्वेता, आमतौर पर क्या होता है, मीडिया को अवॉइड करते हुए चलते हैं जब नेता आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सबसे मुलाकात। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आज तक के पत्रकारों के पास से पीएम गुजरे तो आज तक ने सवाल किया कि पीएम आप कुछ कहना चाहते हैं। पीएम ने कहा सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई, आप कुछ बोलेंगे प्रधानमंत्री जी? सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद ज्ञापित करके यहाँ से चले गए श्वेता। हाँ, सबका धन्यवाद बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, यानी कि मीडिया भी जिस तरीके से G20 में एक सकारात्मक भूमिका अपनी निभाता रहा है पूरी दुनिया के लिए, उस पर धन्यवाद बोलकर गए। G20 का सफल आयोजन पूरे देश को गर्व से भर देता है, इसलिए प्रधानमंत्री सबका धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। तो धन्यवाद देने के लिए ही आए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट था और मीडिया ने इसको जो 24 घंटे कवरेज दिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया, उनको बहुत लंबा चलना है, बहुत बड़ा। जी 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 बिल्कुल, बहुत लंबा है और ऐसा मीडिया सेंटर इतना बड़ा कभी होगा भी नहीं। तो आप देखिए कि पीछे तक अगर मैं देख रहा हूं तो लोग ही लोग हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, यहाँ का मीडिया, तमाम लोग, देखिए सब लोगों ने अपने अपने जो मोबाइल फोन्स ऑन किए हुए हैं। पूरे देश को मालूम है कि ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण था। देश की शान की खातिर, देश के तमगे को बढ़ाने की खातिर, इसलिए धन्यवाद तो बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आ गए हैं और इस हिस्से से होकर वो गुजर कर जा रहे हैं, सबका धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री यहां से भी गुजर रहे हैं। G20 समिट के सफल आयोजन के बाद नीदरलैंड्स का जो आखिरी बायलैटरल था, उसके बाद हॉल नंबर 14 में वो गए जहां मदर ऑफ डेमोक्रेसी का डिस्प्ले था, और यहां पर भी मुझे लगता है मीडिया का धन्यवाद ही करने के लिए आए प्रधानमंत्री। तमाम देखिए मीडिया का हुजूम है, और जो वॉलंटियर्स यहाँ पर थे उनके लिए सबसे बड़े जश्न की बात है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के नाम के नारे यहाँ पर लगाने लगे और उनके लिए खुशी का दिन है। 3 दिन तो अभी वो लगातार यहाँ पर रहे, लेकिन लंबे वक्त से वो सब यहाँ काम कर रहे थे। जैसे आम घरों में शादी ब्याह या किसी बड़े आयोजन के बाद घर का मुखिया सभी लोगों से मिलता है, ठीक उसी तरह पीएम मोदी G20 के महा आयोजन के बाद भारत मंडपम में घूमते नजर आए। डिजिटल इंडिया पेवेलियन की ये तस्वीर देखिए, आयोजन को कामयाब बनाने में योगदान देने वाले लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। सराहना के शब्द, भरोसे का हाथ हमेशा लोगों को उत्प्रेरित करते हैं। पीएम मोदी G20 के समापन के बाद इसी भूमिका में नजर आए, वो क्राफ्ट पेवेलियन भी गए और वहाँ लोगों से बातचीत की। पीएम भारत मंडपम के तमाम हिस्सों में घूमते रहे और हर उस शख्स का धन्यवाद करते रहे जिनकी वजह से G20 मेहमान भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद किया कि हमने उनके जो सारे गेस्ट आए थे G20 के लिए, उनका बहुत अच्छे से आदर सम्मान किया। अभी आके आप लोगों से क्या पूछ रहे थे? आपने चाय ऑफर की? जी जी, हमने उनको ऑफर की, बट उन्होंने कहा आज नहीं, फिर कभी पियेंगे, थोड़ा जल्दी में थे, बट वो काफी खुश थे कि हौसला बढ़ा होगा। सबका हौसला बड़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूरी टीम की और हमारी काफी अप्रिशिएट किया, जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमने अरेंज किया। तो आते ही क्या पूछा उन्होंने? उन्होंने पूछा कि आपने इंडिया के कुजींस खिलाए उनको? हमने कहा बिल्कुल, दैट इज द यू नो प्राइड ऑफ आवर कंट्री। G20 सम्मेलन ने भारत की साख बढ़ाई है। इस सम्मेलन ने बताया है कि भारत अब दुनिया की अगुवाई करने के लिए तैयार है। श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप के साथ चित्रा त्रिपाठी, दिल्ली आज तक।